उसकी रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। उसका स्पेशल प्रोग्राम बनाया हुआ है लेकिन अभी पानी काफी फ्लो है तो इसलिए रोका हुआ है। अभी फिलहाल हमें जिन साइड को कटिंग करती है वहाँ पर वो खोलने के लिए उसका मैंने उनको बोला था वेस्ट हो जाएगा वो पीछे से आएगा वो फिर उसको तोड़ते हैं। जिस मैग्नीट्यूड का डिजास्टर हुआ है कई बातों को लेकर हमारे को रीथिंकिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे हमें अपने क्षेत्र की बात करते ज्यादातर हम कलवट से लगाते थे, अब कई जगह हमारे कॉजवे बेटर मेरे को लग रहा है आज की डेट में, थोड़ा आपकी चौक हो जाती है और सारा पानी सड़क पे और सड़क गई, तो ये एक अच्छा जो बताया है ना, आप 40 लाख भी लगाएंगे और वो कल कोई फायदा नहीं नुकसान ही होगा। ये समय इन बातों को लेकर भी हमने परिवर्तन करना है, इस टीम पे किया है ना, वो पिछली बार बनाया था हमने पैसे दिए उसमें कोई फायदा नहीं उसका बनाने तो फिर डैमेज है। और एक मैंने ये DPR उसमें हमारा नवाड़ में डला था राजपुरा से बनो, देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बार आपने सर के नवाड़ में सेक्शन लिया, पहली बार भी ब्रिज रखा था इसमें, ब्रिज का प्रोविजन था इसमें, उसका स्पैन कम था वो ब्रिज बना नहीं, बाद में वो पैसा भी लैप्स हो गया, दूसरी बार फिर ये नवाड़ में सड़क का टेंडर हुआ ब्रिज का भी टेंडर हुआ, अब क्या है कि सड़क तो बन गई ब्रिज फिर नहीं बना, आपने पहले उसका स्पैन कम ले लिया, अब बाद में आप कहेंगे स्पैन इसका लंबा क्यों लगाया आपने, नवाड़ की सीट नहीं आपको पता 3-4 साल के बाद कि वो 10 मीटर से कम आ जाएगा नवाड़ में, अब उसके रोड का फायदा नहीं जैसा ब्रिज नहीं बनाऊंगा वहाँ पे, उसमें दिक्कत क्या आ रही है जी, उसमें दिक्कत क्या आ रही है जो ये ब्रिज बना रहे हैं ना जी बिल्कुल साइड से बना उसमें ऊपर से ना। पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है जहाँ हिमाचल प्रदेश में पिछले कल तक लगभग कुछ 6600 करोड़ के आसपास की क्षति हुई और उसमें हमारा जिला सिरमौर भी अछूता नहीं रहा। आज हमारी जिला सिरमौर की पुनर्वास और राहत से संबंधित जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने गठित की है और मेरी मुझे जिम्मेदारी इस जिले से संबंधित जो हमारे राहत के कार्य हैं उसकी देखरेख, उसका मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे किस तरह का कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए मुझे भेजा गया था। तो जिला सिरमौर में भी लगभग कोई 290 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे हम जल शक्ति विभाग की स्कीम्स की बात करें, काफ़ी मैं समझता हूँ ये कार्य बाधित रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है और कम से कम टेम्प्ररी तौर पे लगभग सभी मैं समझता हूँ मात्र 20-21 हमारी सड़कें शेष रही है जो अभी तक आपकी बाधित है, आपकी अधिकतर पानी की स्कीमें, आपकी विद्युत कि आपकी स्कीमें, हमारे लगभग सभी DTR वर्तमान में आपके कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमने रिलीफ मैनुअल में भी जो संशोधन किया है उसके तहत आपके सारे कागज़ बनाए जा रहे हैं और जहां तक मकानों की बात हो लगभग कोई 51 हमारे ऐसे मकान थे जो पूर्ण रूप से इस सदमे आए, जो एक तरह से मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लगभग 500 से अधिक हमारे पार्शली डैमेज हाउसेज है और इस अवधि के दौरान लगभग कोई 11 अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई है। सरकार मैं समझता हूँ इस आपदा को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से हमारा जनजीवन सामान्य हो, जो क्षति हुई हालांकि बहुत बड़ी क्षति है इस तरह का मैं समझता हूँ फ्यूरी नेचर की ना अतीत में देखी गई थी ना सुनी गई थी, लेकिन सरकार मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री ने हर ज़िले में एक एक मंत्री को मैं समझता हूँ जिला दिया है ताकि वहाँ पर सभी बातों को लेकर देखा जाए कि किस तरह से राहत वहाँ पहुँचाई जा रही है। और 8 तारीख के बाद आपने देखा होगा 8 जुलाई के बाद ये क्रम प्रारंभ हुआ था, चाहे वो चंद्रताल की बात थी वहाँ पर भी हमारे ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर संजय अवस्थी जी माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार लगभग कोई 294 के आसपास वहाँ पर टूरिस्टों को वहाँ से रेस्क्यू किया था। एक प्राथमिकता के आधार पे हर तरह से सरकार कार्य कर रही है और पूरे प्रदेश में लगभग कोई 300 करोड़ से अधिक की राशि भिन्न भिन्न विभागों को जिलाधीशों को राहत कार्य के लिए दी गई है और अभी भी लगभग कोई 1.5-2 महीने की अवधि मानसून की शेष रही है।
विभाग जहाँ तीर्थ में तत्परता से कार्य कर रहा है, आने वाले समय के लिए भी सजगता के साथ और पूरे मैं समझता हूँ मजबूती के साथ ये इस तरह की कोई क्षति और भविष्य में ना हो उस सोच के साथ कार्य कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।